अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कराची बिजनेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लकवे का बिल्कुल 100% इलाज बताऊंगा और मैं अपने कबूतरों में बताऊंगा। जो मेरे कबूतर थे जिनका मैंने इलाज किया, एक महीने के अंदर अंदर ही वो उड़ना शुरू हो गए और उनमें पट्ठे भी शामिल हैं। पट्ठों का इलाज किया, पट्ठे भी उड़ना शुरू हो गए और बड़े भी। तो मैं आपको सबसे पहले इलाज बताता हूँ, क्योंकि मेरे 4 से 5 कबूतर लकवे में आ गए थे, तो उनमें से 2 के तो पर पूरे आ गए, तो वो तो उड़ना शुरू हो गए और 2 सही हो गए हैं, बस उनके पर आने का इंतज़ार है। तो चलें, मैं आपको सबसे पहले कबूतर दिखाता हूँ, फिर उसका इलाज बताता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं इस लालबन की। तो इसे हुआ था झोला, यानी जिसे कहते हैं कि गर्दन बिल्कुल इधर से उधर जो घूमती वाले लकवा हुआ था। एक तो होता है लकवा जिसमें गर्दन सिर्फ पलट जाती है, यानी घूम जाती है, लेकिन एक होता है झोला जिसमें इधर से उधर झूलती रहती है गर्दन, एक उसमें नहीं रहती। तो इससे वो हुआ था और इसको मैंने एक महीने के अंदर अंदर सही किया और अब माशाल्लाह से आप देख लें ये उड़ना शुरू हो गया। इससे मैं आपको उड़ा के दिखाऊंगा, देख लें कहीं से भी आपको आसार लग रहे हों अगर इसके, तो ये देखें नर ने मार के भगा दिया वरना ये ऊपर बैठ गया था खुद से। तो अब ये माशाल्लाह से दौड़ता है, मतलब दौड़ने से मुराद कि दूर दूर तक टोली के साथ मिलकर उड़ता है, अलग हल्का सा भी अलग नहीं होता। और माशाल्लाह से बिल्कुल ये ठीक हो चुका है ये पट्ठा। तो मैं आपको इसका भी इलाज बताऊँगा कि मैंने किस तरह सही किया और दोनों इलाज। इसी के बराबर में ये छापदार बैठा हुआ है, ये भी लकवे में आया था। तो इसकी ये कहानी थी, आपने अगर मेरी मैंने एक वीडियो डाली थी अमीरिया कबूतर पकड़ा, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये मैंने जब पकड़ा था तो ये खुद ही उड़ रहा था, दूर दूर जा रहा था और आ रहा था, ये लकवे में ही था उस वक्त। तो आप देखें माशाल्लाह से इसका लकवा बिल्कुल ठीक हो चुका है, हल्की सी कसर है, वो जैसे ही इसके पर आएंगे वो सही हो जाएगी। अब ये इतना है कि ये दोबारा से सही से उड़ना शुरू हो जाएगा बगैर किसी मसले के। जैसे उड़ते में कबूतर गोल गोल करके उतरते हैं, इस तरह से नहीं उड़ेगा, बिल्कुल परफेक्टली उड़ेगा अभी। तो ये हो चुका है सही। और ये देखें आप, ये वाला लालचीना नर, ये मेरा लड़ता हुआ गिरदान है। आपको कहीं से भी लग रहा है कि लकवे में, अगर आप देखें कहीं से भी आपको लग रहा हो कि लकवे में, ये बिल्कुल इसकी गर्दन घूम गई थी और अब देखें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लग रहा कि किसी भी लकवे में था भी या नहीं। तो ये भी मैंने सही किया, उसके देखें इसके भी पर नहीं है, जिसके जैसे पर आएंगे तो ऐसे भी जो है वो करूँगा। और एक और कबूतर है, वो यहाँ इस पिंजरे में नहीं है, वो अलग है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और फिर इलाज बताता हूँ इसका। तो फ्रेंड्स, एक ये कबूतर है, इसकी बिल्कुल गर्दन भी घूम गई थी, इसे लकवा और झोला दोनों हो गया था। तो अब माशाल्लाह से देखें ये वापस सही हो गया और इसे मैं आपको अभी उड़ाकर भी दिखाऊंगा और आगे तक भेज के दिखाऊंगा। माशाल्लाह से बिल्कुल 100% ये ठीक हो चुका है, देखें मैं आपको इसे दिखाता हूँ, बिल्कुल ये 100% ठीक हो चुका है। तो चलें मैं आपको एक और पट्ठा दिखाता हूँ, उसका इलाज अभी चल रहा है। तो फ्रेंड ये देखें, ये एक और पट्ठा देखें कैसा मस्तार है और इसका इलाज अभी चल रहा है, ये झोले में ही था और देखें इतना बेहतर हो गया कि अब ये मस्तार है और अब ये ख़ुद से दाना खा सकता है। तो अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरे घर का पट्ठा था चप, ये बिल्कुल बीमार हो गया था और ये बिल्कुल मरने वाला हो गया था। तो इससे काफ़ी मेहनत से सही किया है और अब देखें इसका कितना मतलब ठहरा है, अभी भी इसको है लेकिन बहुत हद तक ठहर गया है इसका। और ये इंशाल्लाह एक महीने के अंदर अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभी इसको इलाज को सिर्फ 10 से 15 दिन ही हुए होंगे और उसमें ये इतना हो गया, तो इंशाल्लाह अब ये ख़ुद खाता पीता है, आपने देखा कैसे मस्त आ रहा था अभी ये। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका इलाज लकवे का, जो मैंने सब कबूतरों पर एक ही इलाज किया है, भले वो झोला हो भले वो लकवा हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपका कबूतर लकवे में आ जाए, भले वो बहुत ही हल्की सी गर्दन टेढ़ी हो या कुछ भी हो, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि अभी तो हल्की सी गर्दन टेढ़ी है, अभी तो कुछ नहीं करो। आप पहली फुर्सत में ये देखें, ये उसके पर खींच दें और दुम खींच दें। अब ये देखें इसकी ये पर आ रहे ना है, तो मैं काटने की बात नहीं कर रहा, ना ही पर काटने ना ही दुम काटनी है, खींचना यानी उखाड़ देना है। या आपने सारे इसके 1 से लेकर 10 कलियाँ उखाड़ दी हैं, देखें अब इसकी आ रही हैं क्योंकि मैंने उखाड़ी हुई थी। तो अब देखें यहाँ तक तो पूरी हो गई है और यहाँ की अभी बाकी हैं जो खून की कलियाँ हैं, और ये देखें इस साइड की भी आ रही हैं, अभी ये छोटी कलियाँ हैं और दुम भी अभी आ रही है, अभी दुम भी छोटी है, अभी सारी खून की है। तो इससे क्या होता है, आप ये खींचेंगे और जैसे ही आना शुरू होगी तो कबूतर सही होना शुरू हो जाएगा, लकवा आपका सही होना शुरू हो जाएगा। और इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कबूतर का पेट ना फुल भरा के रखना है आपने, यानी किस तरह से करके रखना है कि मैं इसको एक वक्त में तकरीबन 70 चने खिलाता था, हालांकि ये पट्ठा है लेकिन मैं सबको जितने भी लकवे वाले थे, यानी एक दिन में 70 चने मैं उन्हें खिलाता था एक ही वक्त।
तो उससे माशाल्लाह से पेट भरा रहेगा तो कबूतर खुद ही सही हो जाएगा, ख़ासतौर पे लकवा। और ये जो करेंगे आप, जो पर खींचेंगे, तो उससे जो भी गंदा खून होगा, जो लकवा कॉज कर रहा होगा, वो सारा परों में इस्तेमाल हो जाएगा और फिर साफ़ खून इनमें बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से लकवा ख़त्म हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से इसकी एक आँख तो वैसी है, और इसके मैंने गंडे भेजे थे। मेरा घर का पट्ठा था गुलियर गंडेदार बीट से है, तो अभी ये पट्ठा है, इस वजह से इसकी गुल नहीं आए, और फिर ये बीमार हो गया था तो इसने झाड़ वगैरह कुछ नहीं की। तो अभी आप देखें इसकी, अभी जो है वो खून के, अब मैं एक बार और खींचूँगा इसको, तो तकरीबन एक महीना और लग जाएगा इसके इलाज में। दूसरे जो मैंने किए थे उनमें एक बार खींचने पे ही सारे सही हो गए थे कबूतर, और इसको जो है सिर्फ एक बार मैं और खींचूँगा इसके पर दुम और यहाँ के पर, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसी में ये 100% ठीक हो जाएगा। इतना सही हो जाएगा कि ये वापस उड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये है लकवे का 100% इलाज, जो कि मैं आपको बताऊंगा। अब देखें दूसरे इलाज भी होते हैं जो लोग करते हैं अक्सर, लेकिन हर किसी का अपना इलाज होता है जो उसके मुताबिक काम करता है। अब मैं कोई दवा वगैरह कुछ भी नहीं देता, और मुझे नहीं पता, मैंने आज तक दवाएं बहुत दी हैं लोगों के YouTube वीडियोस देख के और लोगों के कहने पे ये दे दो वो दे दो बहुत दी हैं, लेकिन मुझे कोई आज तक फ़र्क महसूस नहीं हुआ। और इससे मेरे 5 कबूतर एक महीने के अंदर अंदर सही हुए, एक महीने के अंदर, और वो भी कोई ऐसे वैसे सही नहीं हुए, वो पूरा उड़ना शुरू हो गए। तभी मैं आपको उनको पकड़ के भी दिखाता हूँ, तो वो माशाल्लाह से एक महीने के अंदर अंदर उड़ना शुरू हो गए वापस। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ ये इलाज शेयर किया जाए। तो चले मैं आपको अपने बाकी कबूतर भी दिखाता हूँ, और इससे मैं आपको छोड़ के दिखाता हूँ कि ये पहले से बहुत बेहतर हो गया। अब ये अपने आप को ठहरा सकता है, हल्का हल्का इसमें है, सिर्फ एक बार मैं इसके पैर वगैरह और खींचूँगा, इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसकी एक आँख पर आया हुआ हल्का सा जाल, जिसकी वजह से एक आँख से देख नहीं सकता, सिर्फ दूसरी आँख से देख सकता है। तो चलें मैं आपको दूसरे कबूतर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये जो है वो मेरा दूसरा कबूतर जो मैंने सही किया था, ये बहुत छोटा पट्ठा है अभी, और इसे झोला हुआ था बिल्कुल उसी तरह जो चप का हाल था, उससे बदतर इसका हाल था। और इससे तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि सही हो जाएगा, लेकिन माशाल्लाह से अब उड़ना शुरू हो गया। और देखें इसकी गर्दन में कितना ठहरा हुआ है, इसे मैं आपको उड़ा कर भी दिखाऊँगा अभी जैसे ही कबूतर खोलूँगा। तो माशाल्लाह से ये देखें, इसके पर अगर आप देख रहे होंगे कि इसका पहले ही लकवा हो गया था, इससे पहले चप से पहले इसका लकवा हुआ था, और इसके मैंने पर खींचे थे। देखें अब ये कैसे साफ़ सुथरे इसके पर हुए हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि मैंने इसके पर खींचे हुए थे। तो जैसे ये पर पूरे आए, दुम भी मैंने खींची थी, दुम भी बिल्कुल नई आई है, साफ़ सुथरी सी। हालांकि जब पट्ठे होते हैं तो अभी ये अंडा पर वाले इसके पर नहीं थे, ना ही दुम थी, तो मैंने खींच दी थी, तो फिर अब आए प्रॉपरली इसके पर। लेकिन कैसे साफ़ सुथरे, अलग ही लग रहा है कि ये पर नए आए हैं। और ये माशाल्लाह से इसकी जान देखें, ये बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल सूख गया था। और बस मैंने क्या किया था, इसको चने भरा के रखे थे, सिर्फ चने भराए थे और कुछ नहीं भराया था, और इसके पर और दुम खींच दी थी। और माशाल्लाह से एक महीने के अंदर अंदर मैं वापस इसे तावों में ले आया था, और फिर माशाल्लाह से अब ये दूर दूर तक उड़ता है। तो मैं आपको इसे उड़ाकर भी दिखाऊंगा। तो इसीलिए मैंने इलाज आपके साथ शेयर किया कि ये देखें मेरे पास कितना बेहतरीन ये वर्क किया। तो चलें मैं आपको अपना एक और कबूतर दिखाता हूँ। ये मेरा लड़ता हुआ गिरदान नफ्ता था, लेकिन ये लकवे में आ गया था। अब आप देखें इसकी, ये झोले में नहीं आए थे, इसकी फुल गर्दन घूमी हुई थी। तो मैंने यहाँ दोनों लकवों का एक ही इलाज बताया, दोनों लकवे मैंने एक ही इलाज से ठीक किए हैं। तो अब आप देखें इसकी भी मैंने, इसके तो ज़्यादा मसला ही नहीं हुआ, बल्कि इसकी तो मैंने सिर्फ पर खींचे, देखें पर अभी आ रहे हैं इसके, इसकी तो मैंने दुम तक नहीं खींची, और ये दुम में ही बिल्कुल सीधा हो गया, और ये अब ऐसा हो गया कि मैं इसे दोबारा उड़ा सकता हूँ। तो माशाल्लाह से ये इतना बेहतरीन है। और ये बात आपने याद रखनी है कि सिर्फ पर खींचने से नहीं होगा, आपको दाना भरा के रखना होगा। इन सब कबूतरों को मैं एक वक्त में 70-70 दाना भरा के रखता था, तो 70-70 चने भरा के रखता था, तो माशाल्लाह से ये सही हो गया। अब आप देखें कहीं से भी आपको लग रहा है इसको लकवा है, तो बस इसके मैं पर आने का इंतज़ार करूँ। जैसे ही पर आने शुरू होंगे, देखें यहाँ से भी जो है, ये देखें सारी कलियाँ आ रही हैं, तो जो गंदा खून होता है वो इन कलियों में इस्तेमाल हो जाता है, जो लकवे जो कॉज कर रहा होता है, तो वायरस सारा ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह से कैसा बेहतरीन ये अब हो गया। तो ये भी इंशाल्लाह से, ये देखें इसका बाजू मुझसे थोड़ा आगे हो गया, तो ये देखें कैसा सही लगी, यहाँ पीछे घुस गया, इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ।
तो माशाल्लाह से देखें आप कैसा जो है वो सही हो गया था, ये खुद ही निकल आया, इसने भी देखा कि ये फंस गया, तो चले मैं इसको ज़रा सही करता हूँ। तो देखा आपने कैसा माशाल्लाह से बिल्कुल 100% सही हो गया, बस अब इसके पर आने का इंतज़ार है तो इसे उड़ाऊँगा। तो ये है लकवे का इलाज, पैर हो रही है तो जब कबूतर खोलूँगा तो फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये लाल चीना है, इसी तरह ये कलसरा भी है जो इस तरह में सही हुआ है, और काबरा भी है। तो जब मैं कबूतर खोलूँगा तो मैं आपको ये लालबन पट्टा जो झोले में आया था, और काबरा जिसको जिसकी गर्दन घूम गई थी और वो भी झोले में आया था, उसको दोनों लगे हुए थे, तो इनको उड़ाकर दिखाऊंगा ताकि आपके सामने ही मैं आपको इनका रिज़ल्ट भी बताऊं कि कोई दवा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग जड़ी बूटियों पे कुछ भी नहीं करना है। बस आपने क्या करना है, पर खींच देने, काटने नहीं है, खींच देने यानी उखाड़ देने, और जब नए पर आएंगे तो कबूतर खुद ही सही होता जाएगा। बस शर्त यह है कि रोज़ अच्छा खासा पेट भरा हुआ हो कबूतर का। यह है लकवे का इलाज। अब देखें मेरे सारे कबूतर से सही हुए हैं और मैंने कोई भी फजूल चीज़ नहीं दी इन्हें। तो चलें जैसे ही शाम होती है तो फिर मैं कबूतर खोलता हूँ और फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, फिर आपको उड़ा के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स असर की अजान हो चुकी है, तो चलें अब हम कबूतर खोलते हैं और फिर मैं आपको वो लकवे वाले कबूतर जो हैं उन्हें उड़ा कर दिखाता हूँ, और मतलब रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि एक महीने के अंदर अंदर माशाल्लाह से कितना अच्छा रिज़ल्ट आया। तो चलें फिर कबूतर खोलते हैं और ये देखें, ये है वो काबरा जो हवा में था कभी। ये देखें, आपको कहीं से लग रहा है कि ये लकवे में है नहीं, तो अभी मैं सारे कबूतर खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ इसको भी उड़ा के सबके साथ। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये इनमें उड़ गए हैं, तो अभी उतरते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। उड़ाते हुए मैं आपको नहीं दिखा सका क्योंकि जैसे ही मैंने वो खोला तो इन लोगों में करंट इतना ही उड़ गया खुद से। तो इसमें वो दोनों लकवे वाले उड़ रहे हैं और आप देख लें कि कोई कटाई वगैरह नहीं मार रहा है। ये जो चाना था इसकी दसवीं लगी हुई, इस वजह से कटाई मार रहा है, तो इसे हम बुला लेते हैं, बल्कि लग चुका है टोली में। और अब मैं आपको जब ये उतरते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ वो दोनों लकवे वाले। तो ये देखें फ्रेंड्स, काबरा ये रहा जो हवा में था, और एक और ये रहा। ये देखें माशाल्लाह से कैसा बेहतरीन उड़ा है, मैं आपको हल्का सा फड़का के दिखाता हूँ। ये देखें, जब ये बीमार था तो मैंने इसे यहाँ रखा था, इन खानों में बीमारों को रखता हूँ मैं, तो जैसे मैंने चपको रखा हुआ इसी के साथ ये यहाँ था, इसलिए यहाँ चिपकता है क्योंकि ये बीमार था और इसे यहाँ पेट भरक के दाना मिलता था, तो इसको अब वहाँ की आदत हो गई है। तो ये इसमें हल्की फुल्की वो है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा उड़ता है, और इसका लकवा जो है वो सही हो चुका है इसका, और काबरे का। काबरा कहाँ पर है वो रहा कोने पर। काबरे को भी मैं आपको फड़का के दिखा देता हूँ हल्का सा, वैसे तो सारी टोली उड़ जाएगी मैं यहाँ जाऊँगा तो। ये देखें माशाल्लाह से काबरा कैसे सही हो गया, और वो जो दो कबूतर थे, एक तो भाग रहा है, इसके दसवीं लगी इस वजह से हम इसे खोल नहीं रहे, बाकी इनके जो लाल चीना है और ये जो कलसरा है, बस इसके पर आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इन्हें भी उड़ाऊँगा फिर। तो माशाल्लाह से रिज़ल्ट आप देखें, बिल्कुल 100% रिज़ल्ट है, और मैं आपको अब सही से उड़ा के दिखाता हूँ आपके सामने दोबारा। ये देखें, ये रहा लालवन पट्टा, तो अब मैं सबको उड़ाता हूँ। तो ये देखें, इसमें काबरा भी उड़ा है और ये काट कबूतर जो है वो इनकी दस्तियाँ लगी हुई हैं, तो खैर ये भी उड़ गए। बाकी ये जो चांद है इसकी दसवीं लगी हुई, इस वजह से हल्का फुल्का ऐसा करता रहता है, कोई इशू नहीं है इसका। तो ये देखें माशाल्लाह से, कहीं से भी आपको लग रहा है काबरा और लालवन जो है वो कट रहा है, बिल्कुल परफेक्ट जो है वो उड़ रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से सब कैसे उड़ रहे हैं बेहतरीन। तो चलें अब हम उतार लेते हैं, आओ आओ आओ, अब ये उतरेंगे भी नहीं। तो जब परझार आते हैं तो ऐसे हल्के फुल्के कटाई मारते हैं कबूतर, जैसे वो चांदना मार रहा है, क्योंकि वो चांदना नया भी है। आओ 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 आओ, ये देखें ये चांदना उड़ते हुए माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। आओ 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 आओ, ये देखें सारे अपनी मर्ज़ी से उड़ रहे हैं, इनको मैं जबरदस्ती नहीं उड़ा रहा।
और चांदना भी लग चुका है टोली में। तो माशाल्लाह से ये देखें कितना बेहतरीन जो है वो लकवे का यहाँ रिज़ल्ट आया है। तो मेरे पास भी पहली बार इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही किया था ये इलाज और मेरे पास बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, तो मैंने आप लोगों के साथ ही शेयर कर रहा हूँ। ये देखें कितना ये लोग उड़ लिए, लेकिन मजाले जो काबरा या लालबन जो है वो घूम के इधर उधर कूदे हों या वापस हमारी छत पर आने की कोशिश की हो, सबके साथ ही इंशाल्लाह आएंगे। आओ 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 आओ, ये देखें ये रहा लालबन, ये दो पूरी जुट है आपके सामने, ये वाला जो है वो लकवे वाला था और जो काबरा है वो देखें ये रहा, क्योंकि ये लकवे में था अब इसे दोबारा उड़ने के आया इसलिए इसका दम अभी नहीं बना हुआ, तो बाजू उसने लटकाए हैं, लेकिन माशाल्लाह से आप देखें कि बेहतरीन हुआ है और रिज़ल्ट इसका 100% आया मेरे पास। आओ 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 आओ, और ये चांदना है जिसकी जो है वो 10वीं और पर वगैरह कम होते पर झाड़ में कबूतर ऐसा करते हैं। तो फ्रेंड्स अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कराची पिजन्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।